combustion of the benzene gives the carbon dioxide and the water. हमें heat of combustion at constant volume given है और हमें calculate करना है heat of the combustion of the benzene at a constant pressure. इसके लिए पहले हमें combustion of benzene की equation लिखनी है. Combustion means burning. Whenever the hydrocarbons burn, there will be the production of carbon dioxide and water. पहले हमें इसको balance कर लेना है full equation को. So this is a balanced chemical equation. Benzene वैसे mentioned भी है question में, liquid form में होगा. Oxygen will be in the gaseous form. Carbon dioxide will again be the gaseous form. And your water will be in the liquid form. अब हमें क्वेश्चन में मेंशन क्या था, एक तो टेम्परेचर मेंशन है, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन इज गिवन. हीट ऑफ द कंबस्टन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन टू अस. हीट ऑफ द कंबस्टन एट कांस्टेंट वॉल्यूम मींस क्यू वी गिवन है और हमें पता है कि क्यू वी इज इक्वल टू द डेल ई. दिस इज -3263.9 किलो जूल पर मोल. और क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है हमसे, हीट ऑफ द कंबस्टन ऑफ द बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर मेंशन्ड है तो दिस इज डेल्टा एच. और हमें वैल्यू भी दे रखी है आर की जो कि जूल केल्विन में है पर केल्विन पर मोल. डेल्टा एच हमें कैलकुलेट करना है तो पहले तो हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है. बहुत ईजी रिलेशनशिप है डेल्टा एच और डेल्टा ई का. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी. इसमें टर्म्स क्या क्या है, डेल्टा एन जी इज द चेंज इन द नंबर ऑफ द मोल्स इन द गैशियस स्टेट. प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट देखेंगे. पहले प्रोडक्ट में चेक कीजिए कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं गैशियस स्टेट में. कार्बन डाइऑक्साइड है गैशियस स्टेट में तो दिस इज 6 माइनस 15/2 इन द केस ऑफ रिएक्टेंट. ऑक्सीजन इज इन द गैशियस स्टेट तो ये आपके पास आ गया -3/2 डेल्टा एन जी. रेस्ट इज द कैलकुलेशन पार्ट ओनली. डेल्टा ई मेंशन्ड इज -3263.9, डेल्टा एन जी इज -3/2, आर इज 8.314 एंड द टेम्परेचर मेंशन्ड इज 298 केल्विन. ये क्वांटिटी हमें जो गिवन थी दैट इज इन द किलो जूल. तो हम इसे किसे कन्वर्ट कर लेंगे, जूल में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि जो हम आर की वैल्यू यूज कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं, जूल में कर रहे हैं. तो दिस कैलकुलेशन कम्स आउट टू बी 3267.616. ये जो आंसर हमने दिया है दिस इज इन किलो जूल क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है किलो जूल पर मोल में. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन -3267.616. डेसिमल के 1 पॉइंट तक हो गया -3267.6. दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन.